अमेरिका के इतिहास में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन राष्ट्रपति चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार बन गए हैं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा स्थापित रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। नेशनल पब्लिक रेडियो NPR की खबर के मुताबिक 4 नवंबर तक बिडेन को 7 करोड़ 7 लाख वोट मिल चुके थे, जो अब तक के राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को मिले सबसे ज़्यादा वोटों में है। NPR के मुताबिक यह संख्या साल 2008 के चुनाव में ओबामा को मिले वोटों से करीब 3 लाख अधिक है, जो पिछला रिकॉर्ड था। बिडेन ने लोकप्रिय मतों के मामले में ओबामा को पछाड़ दिया है, जिनके पक्ष में 6,94,98,516 लोगों ने मतदान किया था। बिडेन व्हाइट हाउस की दौड़ में निवर्तमान राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी टक्कर दे चुके हैं और लोकप्रिय मतों के मामले में उनसे 27 लाख वोटों से भी आगे हैं। कड़ी टक्कर वाले राज्यों में जैसे जैसे मतगणना बढ़ रही है, वैसे वैसे बिडेन की बढ़त का अंतर भी बढ़ रहा है। NPR ने कहा है कि पूरे देश में अब भी लाखों मतों की गिनती बाकी है, जिनमें कैलिफोर्निया भी शामिल है, जहां पर 64% मतों की गिनती हुई है। ट्रंप भी बुधवार तक 6,73,00,000 वोट हासिल कर ओबामा के रिकॉर्ड के करीब रहे हैं। NBC न्यूज़ के मुताबिक इस बार करीब 10 करोड़ मतदाताओं ने ईमेल से मतपत्र के जरिए मतदान किया है, जिनमें से 2,03,00,000 मतों की गिनती बाकी है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।